बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहुमत से जीत हुई है, जिसके बाद एनडीए के सभी नेताओं में खुशी की लहर साफ देखी जा रही है। कल शाम तक महागठबंधन की सीटों को देखते ही सस्पेंस बरकरार था, लेकिन नतीजों ने एनडीए को भारी बहुमत से जिता दिया। देर रात नतीजा आने के बाद एनडीए के कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे थे। इसी कड़ी में जमुई सीट से जीत दर्ज करने वाली बिहार की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट शूटर श्रेयसी सिंह ने अपनी जीत का क्रेडिट जमुई की जनता को दिया है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह एनडीए की जीत है, जमुई की जनता की जीत है। विशेष क्या कुछ कहा श्रेयसी सिंह ने, आप खुद सुनिए। सभी करके दिखाए और बहुत धन्यवाद करते हैं सभी पूरे की टीम के साथ कि उन्होंने हमारे साथ लग के ऑन फील्ड इतनी मेहनत की और ये जीत जितनी मेरी है उतनी उनकी भी है। हमेशा कैंपेन में अपना कहा है कि सबसे पहले जम्मू का जो खेल के खास खिलाड़ी आ चुके हैं, खिलाड़ी है भी, आपने कहा खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहेंगे, आप जीतने के बाद सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत जमुई बना जितनी जिस तरीके से सरकार ने समस्या हुई इसको लेकर आपने जी बिल्कुल, ये आज भी मेरा मुद्दा यही रहेगा। बेशक चुनाव खत्म हो गया है लेकिन बेरोजगारी से अशिक्षा से यहाँ के हमेशा लड़ते रहेंगे और जमुई का साथ हमेशा देते रहेंगे। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? एग्जिट पोल जिस तरीके से आया था, तमाम लोग अलग कयास लगा रहे थे कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है, अब क्या लगता है जिस तरीके से परिणाम आए इसे किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार तो बन रही है। एग्जिट पोल के बारे में जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कल तक का एग्जिट पोल जो कि महागठबंधन का बताया जा रहा था, एग्जिट पोल तो अनुमानित होता है तो वो गलत होगा। बहुत दिनों के बाद कमल खिला जाए, आप कैसे ले रहे हैं, क्या कहते हैं? हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब कमल खिला तो हम उसके उम्मीदवार थे, कमल के उम्मीदवार यहाँ पे थे। गर्व करते हैं अपने आप पर, अपनी टीम पर और जम्मू की जनता पर जिन्होंने जैसा हमारी अपेक्षा थी एक बार मतदान करके दिखाया है। तो उन सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम।